नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पंचायत चुनाव पर दिखा डबल मनी मामले का साइड इफेक्ट, एक आरोपी ने भरा फॉर्म, दो गांव में चुनाव का हुआ बहिष्कार। पंचायत चुनाव में बघोली, पारी और खजरा पंचायत में निर्विरोध हुआ निर्वाचन। दो मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में तीन लोग हुए घायल, इलाज के दौरान एक की हुई मौत। पैरे की आग को बुझाने के दौरान हुआ हादसा, जिंदा जल गया 65 वर्षीय किसान। डबल मनी मामले के आरोपियों की जबलपुर हाईकोर्ट में दो हफ्ते बाद हो सकती है सुनवाई। जागपुर घाट पहुंच मार्ग निर्माण की गुणवत्ता पर स्थानीय जनों ने उठाए सवाल, लगाए गंभीर आरोप। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भमोड़ी के इसी ग्राम के व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीण पुलिस ने मृतक महेंद्र शरणागत 56 वर्ष की लाश उसके घर से बरामद की है। इस व्यक्ति ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून को मदनलाल का बड़ा बेटा जयप्रकाश ट्रैक्टर लेकर बालाघाट चला गया था। बहू अपने मायके गई हुई थी। 1 बजे करीब उसका छोटा बेटा ओम प्रकाश कहीं चला गया था। इसी दौरान भरतलाल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 3 बजे जब जयप्रकाश घर आया तब उसने अपने पिता भरतलाल को घर में फांसी पर लटका हुआ देखा, जिसकी मौत हो चुकी थी। जिले के बहुचर्चित किरणापुर लांजी डबल मनी मामले का साइड इफेक्ट किरणापुर से लेकर लांजी जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिखाई दिया। नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 6 जून को जैसे ही घड़ी में 3 बजे, वैसे ही पंचायत चुनाव पर चल रही कई अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया। डबल मनी मामले के मुख्य आरोपी कहे जाने वाले बोलेगांव निवासी सोमेंद्र कंकराय ने के गृह ग्राम से लेकर सिरेगांव पंचायत में चुनाव का बहिष्कार हुआ, तो वहीं दूसरी ओर डबल मनी मामले के मुख्य आरोपी कहे जाने वाले सोमेंद्र सहित लांजी और जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के लिए आस्था का प्रतीक बन चुके वारी पंचायत में पूरी की पूरी पंचायत बॉडी निर्विरोध निर्वाचित कर ली गई। खबर को थोड़ा विस्तार से और नजदीक से जानते हैं। लांजी जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोलेगांव में मई माह के मध्य में जैसे ही डबल मनी मामले का खुलासा हुआ, तब से ही ग्रामीणों में विरोध के स्वर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इस पर पंचायत चुनाव में लोगों ने पंचायत चुनाव का विरोध करने का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, एक एक कर कई गांवों में इस बात पर चर्चा चली कि क्या उन्हें भी इस पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। 5 जून तक लगभग 4 से 5 पंचायतों में इस बात पर हामी भर ली गई, उनके द्वारा गांव में किसी भी पद के लिए पंचायत चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। मतलब यही कि पूरी तरह पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। 6 जून को जैसे ही घड़ी में 11 बजे तो पंचायत चुनाव के लिए नामांकन निर्देशन पत्र जमा करने का काउंटडाउन शुरू हो गया। सबकी नज़र विरोध की आवाज़ को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाले बोलेगांव और सिरेगांव पर टिकी हुई थी। हुआ भी ऐसा ही, जैसे ही घड़ी का कांटा ने इस बात का संकेत दिया कि घड़ी में 3 बज चुके हैं, नाम निर्देशन पत्र जमा करने का समय पूरी तरह से समाप्त हो गया है, वैसे ही लोगों ने सबसे पहले फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी लेना शुरू की। क्या सही में बोलेगांव और सिरेगांव सहित अन्य गांवों में पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया गया है? तो खुलकर थोड़ी देर में बात सामने आ गई कि दो पंचायत बोलेगांव और सिरेगांव में पंचायत चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एक बात और तेजी से सामने आई कि लांजी सहित बालाघाट ही नहीं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुकी वारी पंचायत के लोगों ने इस पंचायत चुनाव में अलग ही मिसाल पेश की। उन्होंने पंचायत के विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन का तोहफा कबूल किया और बिना किसी चुनाव, बिना किसी शोरगुल के 5 जून की रात को बैठक की और तय कर लिया गया कि उनके पंचायत में चुनाव नहीं होगा, सभी एकमत से पंच और सरपंच बना दिया जाएगा। फिर क्या था, गांव की पूरी पंचायत बॉडी मतलब 14 पंच और सरपंच बिना किसी चुनाव के निर्वाचित कर लिए गए। 6 जून को वारी पंचायत से कोई भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने नहीं गया और अपनी सहमति भरा पत्र रिटर्निंग ऑफिसर लांजी को सौंप दिया गया और जानकारी दे दी गई कि उनके गाँव में जनता ने एकजुट होकर पंच सरपंच चुन लिया है। निश्चित ही 6 जून का दिन बहुत अधिक गहमागहमी वाला रहा, जब किरणापुर से लेकर लांजी तक नाम निर्देशन पत्र जमा करने को लेकर बहुत अधिक कसमकश लोगों के बीच में लगी रही।
देखना भी यह है कि लांजी जनपद पंचायत के इन दो पंचायत बोलेगांव और सिरेगांव में चुनाव की प्रक्रिया कब करवाई जाती है, कब जनता चुनाव के लिए तैयार होती है, किस प्रत्याशियों को चुनाव के लिए तैयार किया जाता है। नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज चौराहा से लेकर जागपुर घाट मोक्षधाम तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है वहां निवासरत लोगों में उसकी खुशी होने की बजाय सड़क को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोमवार को वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा सड़क निर्माण को लेकर आपत्ति जताई गई। लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं किया जा रहा है, पानी की तराई सही तरीके से नहीं की जा रही है तथा बेस भी अच्छे तरीके से नहीं डाला गया है। रोड गुणवत्ता विहीन है पूरी तरह, और इस रोड को कम से कम 3 से 4 महीना हो गया। इनने पहले तो खोद के रख दी 2 महीना, खोदने के बाद फिर काम बंद कर दिए, फिर आवाज उठाए तो गिट्टी डाल दिए, फिर रख दी 2 महीना। तो ये यहाँ से जो मृत्युंजय घाट का जो रोड है ये, इसको इसी अवधि तो कम से कम निश्चित होना चाहिए कि इतने अवधि में बन जाना चाहिए। इतना मीटर का रोड है, कहीं कोई बोर्ड नहीं है, कहीं इसका कुछ ये नहीं कि चार्ट भी क्या कैसी रोड बनना है क्या बनना है। और इस रोड ये 80 फुट का रोड है, तो ये कम से कम आम जनता के लिए कम से कम डिवाइडर रोड बन जाता। 25 फीट का रोड बनना था, 15 फीट का रोड बनाया जा रहा है, और रोड बिल्कुल गुणवत्ताविहीन है, इसमें कोई तराई नहीं हो रही है। यहाँ कम से कम 10-12 दुर्घटनाएं होंगी। रोड में पूरी तरह से गुणवत्ताविहीन रोड है, इसमें जो गिट्टी का बेस है, मटेरियल का जो बेस है पूरा कमजोर है। डेली तराई करके इस पे रोलर नहीं चलाया जा रहा है, जिससे कि गिट्टी पूरी छटक रही है। ये रोड का भविष्य 2 से 3 साल है, 3 साल बाद रोड पूरी उखड़ के फीका जाएंगी। नगर पालिका इतना पैसा खर्च कर रही है लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है, और जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलना है। रोड बन रही जरूर, लेकिन आजू बाजू पानी निकासी का साधन नहीं बन रहा है, नाली का टेंडर नहीं हुआ है। नाली का टेंडर होना चाहिए जो कि आजू बाजू रहवासियों क्षेत्रवासियों को जिससे दिक्कत ना जाए, पानी निकासी पूरी तरह से होना चाहिए। पानी निकासी ना हो तो रोड का पानी लोगों के घर में घुसेगा, आगे ये तकलीफ होगी। और बाकी रोड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना चाहिए, क्योंकि ये मृत्युंजय घाट का रोड है जिसमें डेली की शव यात्रा जाती है, जिसमें जल्दी काम नहीं होने से जिसमें बहुत भारी दिक्कत है। नगरपालिका CMO सतीश मर्सेनिया ने बताया कि वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा फोन कर आज सूचना दी गई, लेकिन हमारे द्वारा इंजीनियर के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 15 दिन पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। सड़क में अच्छी तरह से तराई करने और कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अच्छी गुणवत्ता रखी जाएगी, और कार्य में लापरवाही बरती जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। बैरा थाना के अंतर्गत परसवाड़ा रोड नरसिंह टोला हर्रा नाला के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। इस सड़क दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अन्य 2 घायल रविशंकर उइके 25 वर्ष जामुन टोला बैहर और आनंद सिंह ध्रुवे 28 वर्ष ग्राम कुगांव थानागढ़ी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक मंगल सिंह पिता कार्तिक ध्रुवे 45 वर्ष ग्राम डूडगांव बैहर निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जून को दोपहर 2:30 बजे करीब मंगल सिंह मोटरसाइकिल से राधो टोला से बैहर जा रहा था। रविशंकर उइके और आनंद ध्रुवे दोनों मोटरसाइकिल में भीमजोरी से मलाजखंड के जामुन टोला जा रहे थे, तभी बैयर में परसवाड़ा रोड नरसिंह टोला हर्रा नाला के पास दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में मंगल सिंह, रविशंकर और आनंद ध्रुवे 3 घायल हो गए। 3 घायलों को बैयर के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद 3 को जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया। 3 को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया, जहाँ रात्रि में मंगल सिंह के उपचार के दौरान मौत हो गई। सोमवार को आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने बघोली स्थित अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बघोली पंचायत के चुनाव में अपनी दावेदारी करने वाले सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन होने की जानकारी दी। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने निर्विरोध हुई पंचायत की महिला कार्यकारिणी को कार्यालय बुलाकर स्वागत किया। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री श्री कावरे ने बताया कि गांव की जनता ने आपसी सहमति और आपसी तालमेल बैठाकर गांव में पंचायत चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया, और गांव में सरपंच सहित सभी 15 वार्डों के महिला पंचों का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि पंचायत बॉडी निर्विरोध होने और पंचायत बॉडी में सिर्फ महिलाओं का चयन होने पर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व घोषणा के अनुसार पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा। मेरी जानकारी में तो अभी चूंकि निर्विरोध और भी जगह हो सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यह है कि
पूरा का पूरा 100% महिला पंचायत का गठन हुआ होगा, ये मुझे लगता नहीं कि कहीं हुआ होगा। हो सकता है अभी आज अंतिम तारीख है और कल परसों से पता चलेगा, लेकिन बालाघाट जिले में तो ऐसा कहीं ऐसा इस प्रकार से कोई देखने को हमारे को नहीं आया। मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से जो शासन ने प्रोत्साहन राशि देने का जो तय किया है कि अगर हमारी महिला पंचायतें होगी, पूरी की पूरी बॉडी महिला बॉडी होगी, तो उनको जो उन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया है वो प्रोत्साहन राशि भी उनको मिलेगा। किरणापुर लांजी डबल मनी मामले में जेल में बंद आरोपी अजय तिड़के ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 6 जून को जनपद पंचायत किरणापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जामड़ी मेटा पंचायत के सरपंच पद का नाम निर्देशन पत्र जमा किया है, जिससे एक बात तय हो गई कि डबल मनी मामले में जेल में बंद आरोपी अजय तिड़के जेल से सरपंच पद का चुनाव लड़ेगा। आपको बताया कि जैसे ही इस बात की जानकारी किरणापुर सहित आसपास के लोगों को लगी, वहीं बड़ी संख्या में नाम निर्देशन पत्र जमा करने वाले केंद्र किन्नी पंचायत के बाहर वे एकत्रित हो गए। इस दौरान नाम निर्देशन पत्र जमा करने के अंतिम समय में भारी पुलिस व्यवस्था के बीच डबल मनी मामले में एक आरोपी और जामड़ी मेटा पंचायत के अंतर्गत आने वाले छिंदीकुआ के निवासी अजय तिड़के पुलिस की बंद गाड़ी में जामड़ी मेटा पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने किन्नी पंचायत पहुंचे और उन्होंने जामड़ी मेटा पंचायत के सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किया। नाम निर्देशन पत्र जमा करने पहुंचे अजय तिड़के से जनता और कुछ जागरूक लोग ने यही सवाल किया कि डबल मनी मामले में जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उनका पैसा डबल मिलेगा या सिंगल। इस बात पर अजय तिड़के ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि आप लोग सुरक्षित अच्छे से रहिए। डबल मिलेगा कि जितना दी उतना ही मिलेगा? जैसा भी है पब्लिक को समझदार जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा जिंदाबाद।
देना चाहेंगे लोगों को? जनता के साथ में, तो आज आपने फार्म भर चुके, तो अभी जैसे पैसा डबल के मामले में जो केस आपके ऊपर लगा हुआ है उसके मामले में आप जनता से क्या बोलना चाहेंगे? क्या पब्लिक का पूरा पैसा वापस मिलेगा? ऐसा कुछ पैसा तो पब्लिक के साथ ही है, अच्छा उनके पास, तो वो डबल मिलेगा कि जितना दिए उतना ही मिलेगा? तो जैसा दिया है पब्लिक खुद समझदार। अभी आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या प्रिंट कर रहे हैं आप? बस पब्लिक अपना ध्यान रखे, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अजय सिंह जीतेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 6 जून की तपती दोपहरिया में लोग बड़ी बेसब्री से डबल मनी मामले के आरोपी अजय तिड़के का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद लगा रहे थे कि अजय तिड़के सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा कर भरने के लिए पहुंचेंगे। हुआ भी उनके मन मुताबिक। अजय तिड़के पहुंचे, लोगों ने उनसे सवाल किया, पुलिस ने पूरा मौका दिया कि लोग उनसे बात कर सके। इस दौरान हर किसी के जबान पर यही शब्द था, डबल या सिंगल पैसा सुरक्षित मिल जाएगा ना। देखना अब यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय में जेल में रहते हुए डबल मनी के मामले के आरोपी अजय तिड़के चुनाव लड़ते हैं, ग्रामीण उन्हें किस तरह से समर्थन देती है, चुनावी ऊंट किस ओर करवट लेता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जामणी मेटा पंचायत के इस चुनाव पर बालाघाट जिले के साथ ही पड़ोसी जिले के उन लोगों की भी नज़र होगी जिन्होंने इस डबल मनी मामले में अपना पैसा लगाया है। लालबरा मुख्यालय के सिवनी मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के धर्मकाठा के समीप डंपर की टक्कर से 5 जून की रात करीब 10:45 बजे 28 वर्षीय दीपेश ब्रह्म गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका प्राथमिक उपचार का बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। डंपर की टक्कर से दीपेश के घायल होने की जानकारी लगने के बाद दीपेश के परिजन व ग्रामीण जनों के द्वारा डंपर चालक व मालिक को बुलाने एवं घायल को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर 10:15 पर बस स्टैंड के सामने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पनबिरी निवासी दीपेश पिता दुर्गा प्रसाद ब्रह्मे अपने एक साथी के साथ सिवनी रोड स्थित पेट्रोल पंप में धर्मकांटा में धान काटा करवाने के लिए गया था और धान का काटा करवाने के बाद वह पानी पीने जा रहा था। तभी पेट्रोल पंप के सामने खड़ा डंपर चालक ने पैदल जा रहे दीपेश ब्रह्मे को टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आसपास स्थित लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। घायल को तत्काल ही अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने दीपेश ब्रह्मे का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। इस दुर्घटना में दीपेश ब्रह्मे का एक पैर टूट चुका है एवं शरीर में अंदरूनी चोटें आई है। घटना की जानकारी लगने के बाद घायल के परिजन व ग्रामीण जन आक्रोशित है और पुलिस प्रशासन से डंपर चालक व डंपर मालिक को बुलाने एवं घायल को मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की। हाँ, क्या घटना घटी, किसके साथ हुआ? मैं धान देने के लिए तरुण चैतगुरु के मिल में आया हुआ था, उसके बाद धर्मकांटा के लिए धर्मकांटा में गए थे हम लोग और वहाँ पर वो पानी पीने, उनका हेल्पर पानी पीने गया था पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप से वो आ रहा था एंड और इधर से डंपर आ रहा था तो आमने सामने एक दूसरे का भिड़ंत हो गया जिसकी वजह से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो डंपर के बीच में आ गए थे कि क्या होता? नहीं, डंपर ने बहुत स्पीड में था तो ये उनको दिखा नहीं सा ड्राइवर को, तो इन्हें उसके ऊपर चढ़ा दिया। डंपर किसी टकराया था तो दूसरे वाहन से? किसी दूसरे वाहन से नहीं टकराया था। तो कहाँ चोट लगी थी? इनके पैर में, वहीं पे सांजस सामने पर जहाँ पे पेट्रोल मतलब डीजल पंप डलवाते हैं वहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद क्या किए फिर? उसके बाद वो मतलब ड्राइवर भाग गया और कहना चाहिए, उसके बाद हमने एम्बुलेंस को कॉल किए, पुलिस को ले, पुलिस वालों को लेके गए, तो उसके बाद तरुण भैया की कार में उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत थाने गांव के सेहरा टोला मार्ग पर सोमवार की सुबह एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस शव के बारे में बताया जा रहा है कि उक्त मृतक बीते कुछ दिनों से ग्राम थाने गांव में घूम रहा था जिसकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हुई है। रामपाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर उसकी पतासाजी व अन्य कार्रवाई कर रही है। मृतक की उम्र करीबन 53 से 55 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मौके पर पुलिस थाना प्रभारी सुनील बनोरिया पुलिस बल के साथ जांच कर रहे हैं, वहीं उन्होंने बालाघाट जिला मुख्यालय से एफएसएल दल को भी बुलाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थानेगांव सेहराटोला मार्ग पर ग्राम के किसानों की अधिकतम कृषि भूमि है, जहां पर सोमवार को कुछ कृषक खेती कार्य से अपने खेत की ओर जा रहे थे।
तभी उन्होंने देखा कि सेरा टोला मार्ग स्थित एक खेत के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बेसुध स्थिति में पड़ा हुआ है, जिसके पास जाकर देखने पर उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, जिसकी सूचना जानकारी ग्रामीणों के द्वारा रामपाली पुलिस व ग्राम के अन्य गणमान्य लोगों को भी दी गई, जिसके बाद ग्राम सहित आसपास के क्षेत्र में शव मिलने की जानकारी लगते ही सनसनी फैल गई व लोगों का हुजूम लग गया। पुलिस ने उपस्थित जनों को शव की शिनाख्त कराई, लेकिन लोगों ने उसे नहीं पहचान पाया। सूचना मिली थी एक अज्ञात सबकी, तो तकदीक के लिए आए हैं, एक शव मिला हुआ है और अभी जांच जारी है, जांच कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ग्रामीणों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा बताया गया है, कुछ समय पहले गांव में घूमते फिरते देखा गया था और पागल टाइप का था और संभवतः मृत्यु का कारण गर्मी और लू वगैरह बता रहे हैं। बाकी जांच में जो भी तथ्य आएंगे सामने बताया जाएगा। जिले के बहुचर्चित लांजी किरणापुर डबल मनी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डबल मनी के मामले में न्यायिक रिमांड पर चल रहे आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद होने की संभावना है। आरोपियों की जमानत पर सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस नंदिता दुबे की अदालत में की जानी है। 6 जून को डबल मनी के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, किंतु विद्वान जस्टिस नंदिता दुबे की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी जाने की संभावना है कि जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 21 जून या उसके बाद होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको बताया कि इस मामले में गिरफ्तार सोमेंद्र कंकरायन ने सहित 11 आरोपी 13 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में है। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिमनेवाड़ा गांव में खेत में पैरे में लगी आग को बुझाते हुए कृषक भी जिंदा जल गया। 5 जून को यह घटना उस समय हुई जब कृषक अपने खेत की मेड़ में लगे कचरे को जलाने गया था। हट्टा पुलिस ने मृतक कृषक हेमराज बिसेन 65 वर्ष की आग से जली हुई लाश उसके खेत से बरामद की है और पोस्टमार्टम करवा कर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जून को सुबह 9 बजे हेमराज बिसेन अपने खेत में साफ सफाई कर रहा था, खेत के मेड़ के रखे कचरे को जला रहा था। खेत के मेड़ के पास रखे पैरे के ढेर में अचानक आग लगने से हेमराज पैरों के ढेर में लगी आग को बुझाने गया था, तभी वह आग के लपटों में घिर गया, जिससे आग से जलने से मौके पर ही मौत हो गई।